अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, शेफ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लेके आया है, अंडे का हलवा, अंडे का टुकड़ी हलवा यानी कि अंडे का मेसू। सर्दियों में बहुत ही स्पेशल डिश है, तो कैसे तैयार होती है आपके साथ मुकम्मल तरीक़ाकार शेयर करते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह वीडियो ये बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो इसका बनाने का तरीका कार बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा है, कमर्शियल रेसिपी है ये। सबसे पहले व्यूअर्स हमने लेनी है एक कढ़ाई। जी तो व्यूअर्स, इसमें हमने 30 अदद अंडे तोड़ दिए। 30 अदद आपने अंडे तोड़ने हैं और एक किलो हो जाएंगे, और एक किलो ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी, और एक किलो ही हम इसमें शामिल कर देंगे घी। घी शामिल करना, ऑयल आपने शामिल नहीं करना। घी देसी हो तो और बेहतर है, ये डालडा घी में है, तो बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे तीनों चीज़ें हम वज़न होगी एक एक किलो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। इसके बाद हम इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देंगे, दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच, धीमी आंच पे। तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये तैयार होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जी तो व्यूअर्स, हलवा हमने चलाना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा इसको चलाते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने इसको पकाना है, और मुकम्मल तरीक़ाकार मुकम्मल वाजह तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कमर्शियल रेसिपी है ये, और कमर्शियल रेसिपी में हमेशा बड़े सेटअप पर रेसिपी बनती हैं। माशाल्लाह पकाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, मैं 20 मिनट कम अज़ कम से हो गए इसको पकाते हुए। ये आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर वो छोटे छोटे इसके दाने बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपने इसमें घी चीनी कुछ भी आप इसमें शामिल नहीं करना। जो चीज़ें शामिल करनी है बस वही हैं इसमें शामिल की हुई हैं, और इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे फूड कलर, येलो फूड कलर है, और थोड़ा सा हम इसमें लगाएंगे क्रीम ऑफ टार्टर, उसको मिला के फिर इसको चलाना शुरू कर देंगे। मज़ीद जैसे ये पकता जाएगा कलर भी इसका चेंज होता जाएगा, और माशाल्लाह पकता भी जाएगा, ये ज़बरदस्त हो जाएगा माशाल्लाह। हलवा जो है ये देखने साइड से उसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है हलवे ने, और कलर भी इसका वजह तौर पर चेंज हो गया। अब मज़ीद कलर इसका चेंज होगा पकाते हुए, जैसे 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 ये पकता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो व्यूअर्स, जब तक हलवा आपका साइडों से घी ना छोड़े, आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना, जब इसको थोड़ा घी छोड़े फिर बाद में आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाएं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और ज़बरदस्त दाना बन रहा है, और कलर भी माशाल्लाह वाज़ेह तौर पर रेडी हो गया, तैयार हो गया बिल्कुल। हमें तकरीबन 30 मिनट होने वाले हैं लगभग इसको तैयार करते हुए, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको एक ट्रे के अंदर निकाल देंगे, एक सांचे के अंदर निकाल के इसको ठंडा कर लेंगे। ये माशाल्लाह जब से ठंडा हो गया तो छुरी की एक लाइन लगा के कटाई करेंगे हम इसकी। तो आपने हमेशा ना ये गर्म ही थोड़ा काटना है, ठंडा नहीं काटना आपने। ये अगर ठंडा काटेंगे तो ये चूरा बन जाएगा, थोड़ा सा गर्माइश में काटेंगे तो टुकड़ी इसकी अच्छी बनेगी। तो इसी तरीके से माशाल्लाह ये सारा हमने इसी तरह काट के इसको प्लेट में लगा लेना है। तो हमारा माशाल्लाह अंडे का जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ और नई नई वीडियोज़ कमर्शियल में भी होम में भी आपको मिलेगी। उम्मीद है ये रेसिपी जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी, हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो जल्द अज जल्द आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स,
हलवा हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू वाला गया है, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है इसमें से, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।